इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन जी? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बताइए। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? भाई आ रही है, आगे बोले। मैं कह रहा था कि मैं ना, मेरे को शब्द थोड़े से पकड़ने में ना तकलीफ होती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे बात किया जाए। मैं क्या नहीं, करूं? मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं कहीं फंस गया था, एक इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे को बताना था, इसलिए मैं सोचा कि आप कई लोगों को लगा रहा था, एक आपका भी लगा है, 2 मिनट अगर बात कर लें तो बात हो जाएगी। जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल, क्या चीज़? मैं ना एक्चुअली जा रहा था वहाँ पे। कहाँ पे? अरे वो जो बैंक करप्ट हो जाते हैं तो लोग कहाँ आ जाते हैं? सड़क पे? सड़क पे। हाँ जी, मैं सड़क पे जा रहा था, अच्छा, तो सड़क पे जाते जाते अचानक मैं वहाँ चला गया, क्या बोलते हैं, नदी का क्या होता है, समंदर का, किनारे पे? किनारे पे। हाँ। तो मैं सड़क के किनारे पे चला गया, और सड़क के किनारे पे जाने के बाद मुझे वहाँ पे वो दिखी, क्या दिखी? वो, अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार, मुझे वो दिखी, क्या कहते हैं वो, बोलते ना, यू आर अ कूल गाय? गाय। हाँ, मुझे एक गाय गाय दिखी। मैंने गाय को, पता है, वो खिलाया, क्या कहते हैं, पापा बोलते थे तू नहीं पढ़ेगा तो वही छीलेगा घास? घास। करेक्ट। तो मेरे गाय को घास खिलाया। तब तक पीछे से मेरा एक दोस्त आ गया, और वो दोस्त उस पे आ रहा था, वो एक पार्टी की निशानी क्या है, पिछली बार सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, क्या साइकिल? करेक्ट, साइकिल पे आया, और फिर उसकी साइकिल पे उसने बोला चल मैं तेरे को आगे छोड़ दूं। तो मेरे को क्या लेने देना साइकिल? एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ, तो उसकी साइकिल पे ना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसकी साइकिल पे वो ठीक से नहीं लगी थी, वो सारे नेता लड़ते ना उसके लिए। गद्दी? अरे तू मेरी क्यों रहा है? बराबर, गद्दी के लिए। हाँ, फिर बाद में गद्दी बिठा के उसने मेरे को वहां छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? आई डिडंट यार, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, ये कैसे सिटीज हैं? मेट्रो, मेट्रो पे छोड़ दिया। और सुनो, मेट्रो पे फिर मैंने वो ले लिया और मैं ऊपर चढ़ गया, वो क्या बोलते हैं, हार्दिक पटेल की भी लीक हुई है ना सीडी। मैंने सीडी लिया और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप उससे पीछे खड़े रहो, उससे क्या बोलते हैं, पट्टी कौन से कलर की होती है, पीली रेखा से पीछे। एक सेकेंड, जैसे मैं पीली रेखा के पीछे खड़ा रहा, अचानक मेट्रो आ गई, और मेट्रो जब आई, मेट्रो के दरवाजे खुले, तो मैं उसके अंदर, वो कीबोर्ड पे एक बड़ा बटन होता है ना, मैं एंटर कर गया, और जैसे मैं एंटर किया, अचानक से मेट्रो में मेरे को वो सुनाई दी जो रेलवे स्टेशन पे भी सुनाई देती है, उसी अनाउंसमेंट में मेरे को बताया गया कि किसी भी अनजान आदमी से बातचीत करना हानिकारक हो सकता है। तो हानिकारक है तो आप और मैं अनजान है, तो ऐसा बात करो मत ना, हानिकारक हो सकता है। तूने फोन किया? किसी अनजान से नहीं बोलना, तू ना एकदम वैसा आदमी है, एक एक होता है सही, दूसरा होता है तू। मेरे पापा मेरे कान के नीचे दो क्या देते थे, रख के देते। हाँ, तो तू भी रख दे फोन, अब बात मत गंदा बोल। 93.5 रेड एफएम, वो शादियों में बैंड वाले क्या करते हैं, बजाते रहो जी। थैंक यू वेरी मच बहुआ बल्ले। नमस्ते।